माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके गुर्गों की अवैध व बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। अतीक के बाद अब उसके करीबियों की संपत्ति को भी जमींदोज किया जाने लगा है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में कौशाम्बी जिले के बॉर्डर पर सलाहपुर गाँव में कार्यवाही की जा रही है। यहाँ अतीक के करीबी और उसके शार्प शूटर कहे जाने वाले मोहम्मद जैद के आलिशान आशियाने को ध्वस्त किया जा रहा है। बंगले नुमा बना यह आलिशान आशियाना 600 स्क्वायर गज में बनाया गया था। मकान के बाहर 1000 गज जमीन खाली पड़ी थी। करोड़ों की लागत से बना 3 मंजिला मकान ध्वस्त करने के लिए सरकारी अमला सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचा। आधा दर्जन बुलडोजर व जेसीबी मशीनें दोपहर से गरजने लगी। जैद अतीक गैंग का सदस्य है। प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक इस मकान का नक्शा नहीं पास कराया गया था। अवैध निर्माण होने की वजह से कुछ दिनों पहले ही इसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। कार्यवाही के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया था। हालांकि अतीक के वकीलों ने कार्यवाही को गलत व मनमाना बताया है। ये खूंखार अपराधी श्री जैद की संपत्ति है। इनके द्वारा प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध रूप से निर्माण कराया गया था, जिसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया था। उसके क्रम में आज इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। नहीं, ये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। इसका स्वाभाविक रूप से मैंने असेसमेंट नहीं करवाया, लेकिन लागत करोड़ों में होगी।